नमस्कार फ्रेंड्स, मैं योगी पंडित और आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी पंडित। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको पराठा फैन के चार वायर वाले पराठा फैन के कनेक्शन कैसे करें इसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर चार वायर है दोस्तों। देखिए, दो वाइट कलर की है और दो ग्रीन कलर की है। ये दो देखिए ग्रीन कलर की है और दो ये वाइट कलर की है। तो दोस्तों इसको हम कैसे कनेक्शन करेंगे तो इस वीडियो में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हमें एक ग्रीन कलर की वायर लेनी है और एक वाइट कलर की वायर लेनी है। देख लिए हमने, एक ग्रीन कलर की ले ली है और एक वाइट कलर की, दो वायर ले लिए दोस्तों। इन दोनों को हम एक साथ मिला लेते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें क्या करना है दोस्तों कि जो ये दो बची हुई वायर हैं इनके जो ये कंडेंसर लगाना है हमें दोस्तों। ये देख लिए 4 MFD का कंडेंसर है दोस्तों, तो हमें 4 MFD का कंडेंसर लगाना है। तो दोनों वायरों के एक एक वायर जोड़ देनी है, एक ग्रीन के और एक वाइट के। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि जो वाइट कलर की वायर है कंडेंसर के साथ है, उनको हम क्लोज कर देते हैं। तो आप टेप वगैरह किसी तरीके से क्लोज कर दीजिए, मेरे पास चली हुई है, मैं इससे इसको क्लोज कर देता हूँ दोस्तों। तो मैंने ये वायर क्लोज कर दी है। अब कंडेंसर के बची हुई ग्रीन वायर है और दो वायर ये एक साथ में जुड़ी हुई है। अब हमें वायर सप्लाई के लिए लेनी है दोस्तों, तो चलिए हम ये वायर सप्लाई के लिए ले लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो दो वायर है साथ में जुड़ी हुई, इनके एक वायर जोड़ देते हैं। ये सप्लाई की वायर है, दोनों वायरों के जुड़ गए दोस्तों। अब हम इसको स्लीव या टेप से क्लोज कर देते हैं। तो मैंने ये स्लीव से बंद कर दिया दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि हमारे पास पावर सप्लाई की एक वायर बच गई है और एक वायर जो कंडेंसर के साथ लगी हुई है वो बच गई है, उस पे इस वायर को लगा देते हैं। और इसको भी हम वैसे ही क्लोज कर देते हैं दोस्तों, टेप वगैरह कुछ आप जिस प्रकार सुविधा हो उसी तरह बंद करते हैं। तो मैंने इसको भी क्लोज कर दिया है। अब ये हमारा कनेक्शन हो गया है दोस्तों। देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, इसके साथ एक ग्रीन और एक वाइट वायर मैंने लगाया है और इनको दोनों को साथ में जोड़ दिया। और दो बचे हुए वायर हैं कंडेंसर के, जो ग्रीन वायर के साथ कंडेंसर के जुड़े हुए हैं उस पे फैन के दूसरे वायर लगाए हैं, और जो बचे हुए हैं उस पे दूसरा वायर लगाया है। तो हमने ये अब इसको सप्लाई करके देखते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपका फैन के राउंड उल्टे हो, अगर आपके फैन के राउंड उल्टे हो तो आप ग्रीन वायर को आपस में एक्सचेंज कर दें दोस्तों। कई बार क्या होता है कि आप वीडियो को पूरा ढंग से देखते नहीं हो और पहले ही काट देते हो, तो क्या है कि वीडियो को पूरा देखा करो दोस्तों, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके बताएं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम इसको अब प्ले करके देखते हैं। तो मैंने इसको सप्लाई दे दिया दोस्तों, और मैं चालू कर देता हूँ इसको। ये देखिए दोस्तों, फैन क्या है, सही दिशा की ओर चल रहा है। अगर उल्टी दिशा की ओर फैन चलता है दोस्तों, तो ग्रीन वायर को आपस में एक्सचेंज कर दें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में।